मैं बॉम्बे से जोगेश्वरी से हूँ और मेरे डैडी के लिए है ये। मेरे डैडी का नाम है शब्बीर लतीफ़ जो बेलगाम कर्नाटका से हैं बेसिकली। तो उनको हार्ट का काफ़ी शिकायत थी 1995 से, तो पहला हार्ट अटैक उनको तभी आया था। तो तभी हमने इलाज किया था, तभी से प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनके। तो तभी फिनेंशियल पोजीशन हमारी सही नहीं थी, तो 95 में जब प्रॉब्लम्स हुआ था तो थोड़ा छोटा मोटा इलाज किए थे हम लोग ने बेलगाम के जो लोकल डिस्पेंसरीज है, लोकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उनको इलाज बताया था। तो कॉस्टिंग इतनी थी कि हम लोग वो टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सिलसिला चलता रहा 1995 से लेकर 2005। फिनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि जो इलाज में जो खर्चा आ रहा था वो कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए आ रहा था, क्योंकि बाईपास सर्जरी करनी थी। और बाईपास सर्जरी सुन के हम लोग डर गए थे सब लोग कि भाई इतना बड़ा खर्चा होगा, अभी सब कहाँ से देंगे इतना खर्चा हमको। और मैं और मेरा छोटा भाई था, छोटा भाई की भी इतनी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो बीइंग ए एल्डर सन तो मुझ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड से उठे मत, चलिए मत, काफ़ी सारा थ्रेटनिंग के काम कर दिए थे, जैसे कि आप एक्टिव नहीं रह सकते। तो अभी हम लोग तो सोच में पड़ गए कि भाई इतना सब इलाज करना है, इतना एक्सट्रीम पे जाना है और उसके बाद भी देर इज़ नो श्योरिटी, मतलब आगे चल के इसका रिजल्ट क्या आएगा कुछ पता नहीं ना। एक दिन रात को हम लोग चैनल देख रहे थे, तो चैनल देखते देखते पता चला कि साइंटिस्ट मुनीर खान साहब का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स लोग अपने बारे में बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो सिमिलर प्रॉब्लम था जैसे डैडी का हार्ट ब्लॉकेज का था, तो एक पेशेंट बता रहा था कि मुझे भी यही प्रॉब्लम था। तो मैंने भी ऐसे फील किया कि मेरे डैडी का भी सेम प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं बोला चलो एक बार साइंटिस्ट मुनीर खान से मिल लेते हैं और दवाई लेते हैं। इसलिए हम दवाई लेने के लिए आ गए हम लोग। और जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि ऐसे ऐसा रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की ये पैनल्स होती हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते हैं। तो रिपोर्ट देखने के बाद हमको उन्होंने काफ़ी सारी श्योरिटी दी, काफ़ी सारे अपना ओपिनियन दिया कि आपके डैडी अच्छे हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। एंड काफ़ी सारा हम काफ़ी इंप्रेस हो गए सब देख के। बॉडी रिवाइवल लेने की सलाह दी, तो पहला डोज लेके देगा तो काफ़ी उसमें फ़र्क लगा। तो हमने घर में डिस्कशन किया कि पहला डोज से इतना फ़र्क गिर रहा है तो क्यों ना सेकंड डोज लेके देखें। तो सेकंड डोज हो गया, आज हम तीसरे डोज पे हैं और डैडी को काफ़ी इसमें आराम लग रहा है और पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। और जो डॉक्टर्स जो जिसने पहले कहा था कि ऐसा नहीं करे वैसा नहीं करे, यहाँ बच जाइए वहाँ बच जाइए, तो उससे ज़्यादा डैडी आज घूम फिर रहे हैं। पिछले मई में हमने डैडी का टेस्ट भी कराया था यूरिन का, तो उसमें हार्ट की जैसे ब्लॉकेज की जो वाइट पार्टिकल्स दिखते थे पहले स्टार्टिंग में इनिशियली, तो आज वो कम एकदम लेवल उसका एकदम कम हो गया है। मतलब धीरे धीरे वो अपना अपनी जो जिसकी रफ्तार है वो कम कम होती जा रही है। तो उससे पता चलता है कि इनको दवाई काफ़ी लग गई है और काफ़ी सारा ब्लॉकेज इनका जो है निकल चुका है सर। आज काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं एंड थैंक्स टू साइंटिस्ट मुनीर खान जिन्होंने अपनी इतनी अच्छी दवाई का जो प्रोडक्ट बनाया है, तो उससे काफ़ी फ़र्क गिरा है मेरे डैडी को। तो आई शुड रियली थैंक टू हिम, मैंने मेरे पूरे परिवार उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ।